तो अब हमने जुड़ा के तालाब से अपनी आज की ट्रैक शुरू करी। काफी भयंकर चढ़ाई थी भाई। हम उस टाइम खीरगंगा करके अपने आप को ट्रैकर समझ रहे थे। खीरगंगा का जो सबसे स्टीप पार्ट था ना, वो तो यहाँ पे कॉन्सेंट था। थोड़ी देर के बाद मैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुका, बैठा हूँ, पानी पी रहा हूँ। इतने में मेरे पास अमन भी आ गया। अब अमन के आती ही आती है कोल्ड ड्रिंक की स्मेल। मैं अमन को देखने लगा तो वो कहता है, भाई क्या हो गया? मैंने बोला, कोल्ड ड्रिंक पी के ट्रैक कर रहा है। कहता है, नहीं पागल है क्या, तेरे आते स्मेल आई है। हाँ यार, स्मेल तो मुझे भी आ रही है। तो फिर मैंने आसपास देखा तो एक कॉलेज के बच्चों का ग्रुप था जो बहुत नौटंकी कर रहा था। तो मैं समझ गया कि भाई यहाँ चल रहा है, जहाँ वो ब्लैक आइस थी ठीक था। सबसे ज्यादा भाई यही होता पूरे रास्ते में, वहाँ पे एक एक स्टेप ऐसे रखना पड़ता है। तो खैर, हमने अपनी ट्रैक वापस शुरू करी। थोड़ी देर बाद आता है ये वाला पॉइंट जहां पे तुम जितना दूर दूर देख रहे हो ना, तुम्हें अपना रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा है। हमने यार आधे घंटे का रेस्ट ले लिया बेकार में। 1.5 किलोमीटर चढ़ने के बाद इतनी गर्म हो गई थी बॉडी। और कितना ऊपर जाना है? देख वहां तक तो लोग जा ही रहे। बर्फ है ना? बहनचोद बर्फ है। भाई साहब ऊपर तो बहुत आगे, मजाक की बात ना है। आजा भाई आजा। कैसा लग रहा है प्रज्वल? मस्त ब्रदर। ये पता नहीं क्यों प्रज्वल प्रज्वल करे जा रहा तब से। मैंने बोला तब से ये भी कह रहा। इसको अलग गुट्टी मिल गई, चेक कर ले। और धीरे धीरे हम लोग उसके टॉप पे भी पहुंच गए। और उसके ऊपर से भाई जो हमें व्यू मिला, उससे रियलाइज हुआ यार ऊपर तो बहुत चढ़ गया हूं यार सही में। यहाँ पे आके हमने एक विक्ट्री वाली फीलिंग ली, क्योंकि अब गाइड ने भी बोल दिया कि अब कुछ चढ़ाई वढ़ाई नहीं है, बस चलना है। फिर धीरे धीरे हम लोग अपने केदारघंटा के बेस कैंप पे भी पहुंच गए। चले चल चले चल रहा हूँ। फाइनली वी आर एट द केदारघंटा बेस कैंप। मेरा मतलब यहाँ पे ठंड इतनी है कि मेरा जो GoPro है ना, उसके अंदर 47% बैटरी दिखा रहा है, बट वो चल भी नहीं पा रहा। यहाँ इतनी ठंड है और व्यू तो हमारे पास फॉर श्योर बहुत ब्यूटीफुल है। अब ब्यूटीफुल नहीं है, पहले ब्यूटीफुल था भाई। वीडियो है, फोटो नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे। ब्यूटीफुल यहाँ देखो, ब्यूटीफुल ये देखो, हमारे पास श्रेया है, हर्ष बाबू है, सेक्सी श्रेया। हाँ बेस कैंप जाके देखते हैं कि यार ना तो अभी खाना बना है, ना ही कोई स्ट्रेचिंग कर रहा है। मिल गया। अरे स्ट्रेचिंग नहीं हो रही? अरे ये टेंट में ही चले गए यार ना सब। ऑब्वियसली देखो जी, ये हमारा टेंट है। और हमें तो भाई एकदम फुल भूख लग रही थी इस टाइम। तो अमन के बैग में चिप्स रखे थे, तो मैं वो लेने गया। भाई जैसे ही बैग खोला, देखा कोल्ड ड्रिंक की बोतल पूरी खाली, उसके सारे कपड़े, पावर बैंक, स्पीकर, सब कुछ कोल्ड ड्रिंक में भरा हुआ। फिर मैंने अमन को बुलाया, मैंने कहा देख ये थी पूरे रास्ते जो स्मेल आ रही थी। ये वाला अलग ही लेवल का सीन था, क्योंकि इसके सारे कपड़े भीग गए थे। फिर हमने इसके सारे कपड़े वगैरह सुखाए। ये सब करके हम लोग ग्रुप के पास वापस जाते हैं। तो वहाँ पे स्ट्रेचिंग चल रही थी, हमने स्ट्रेचिंग वगैरह की। भाई सब स्ट्रेचिंग करेंगे, स्ट्रेचिंग कंधे दबाएंगे भाई कंधे। अक्षत को कोई बैग उतरवाओ मुझे देख के। अरे यार छोड़ ना, उसको मजा आ रहा है, दो दो बैग लाया। हाँ चलो आ जाओ। पर खाना अभी तक नहीं लगा था। हमने कहा कपड़े तो भीग गए, एटलीस्ट चिप्स तो सही हैं, चिप्स तो खा ही सकते हैं। यार हमारा पैकेट वहाँ पड़ा है। इतनी हालत है कि हम पैकेट उठा लेते हैं यार। ऐसे ऐसे शूटर्स काम ही नहीं कर रहे, जम गए शूटर्स। हर चीज की एक्टिंग कर, कौन उठाएगा उसको? कोई सामने से आता हुआ भैया खाली रैपर कौन फेंकेगा? एक साथ फेंक देंगे ना। ये तो सारा खेल रहा है भाई। अमन को झुका दिया। अमन कैसा लग रहा है? ट्रिक हो गए
वही मेरे को दियो थोड़ी सी। बालक है देखो, लिटिल लार्ज खा रहे हम। कैसी है? अमन का खौफ ऐसा है कि इंसान वापस ले लेता है उसके हाथ में। क्या करो? खाने ही है तो सही से बोलना। एक डाल दो, एक दे दो। सबके मुंह में डाल रहा था। रुक, डाल ले। एक दे दो। क्या चीज़ कर रही है? एक डाल दा, वो भी खिलाऊं। यार खाना खिलवा दो, भूख लग रही है अब। हाँ भैया भूख लग रही है। तो इस वक्त हम लोग हैं केदार घंटा के बेस कैंप पे। वक्त है शाम का और मौसम में एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। देखो ये है हमारी पीक जो कल हम चढ़ेंगे, केदार घंटा। अब इस सेटिंग में किसी भी इंसान को सिर्फ एक चीज की क्रेविंग हो सकती है, बॉनफायर विद म्यूजिक। तो फिर हमने अपने कैंप वालों को बोला कि यार बॉनफायर लगा दो, तो वो कहने लगे कि यार खाना बना रहे हैं, बॉनफायर लगाने के लिए टाइम नहीं है। हमने बोला बॉनफायर तो चाहिए भाई। तो फिर हमने चार पांच लौंडे इकट्ठे करे और हमने डिसाइड करा कि चलो लेट्स गेट बैक टू द बेसिक्स। तो हम सारे चारों तरफ से लकड़ी इकट्ठी कर करके लाने लगे। तो बेस कैंप पे हम है कितना, आई थिंक 5 बजने वाले, और अभी हम आए हैं यहाँ पर लकड़ियाँ चुगने के लिए, बिकॉज हमें करनी है बॉनफायर। ये लकड़ी जैसे उठाई और वहां हमने जाटो। और ये ऐसे कैच करेंगे और हम ऐसे आग लगाएंगे, जैसे यहाँ पर ये हैं, इनसे काम हो जाएगा। हमारे जितेंद्र भाई को हाथ लगा है जैकपॉट भाई, बहुत बढ़िया लकड़ी मिली है। और भी है, और भी है। कौन सी लेनी बता, हार्ड नहीं पड़ेगी। अच्छा चलो मैं कैमरा बंद करता हूँ। फिर सबने एक ओपन ग्राउंड में मिलकर एक बॉनफायर वाले स्ट्रक्चर बनाया। इतने में कैंप्स के जो बाकी लोग थे वो भी बाहर आ गए और हमारे चारों तरफ एक गोला बना के खड़े हुए कि यार जल्दी करो, हम भी थोड़ा सा माहौल बनाएं। अब बारी आती है इसमें आग लगाने की। तो मैंने बोला कि यार इसमें आग कैसे लगाएं। विदिन अ सेकंड 10 लाइटर सामने आ गए। मैंने बोला ब्रो रिलैक्स, लाइटर है हमारे पास, दिक्कत है कि इतनी तेज हवा में आग जलाएं कैसे, लाइटर तो जल नहीं रहा, लाइटर से लकड़ी कैसे जलेगी। फिर सब अपना अपना दिमाग लगाने लगे, कोई पन्नी लेके आ रहा है, कोई पेपर लेके आ रहा है। 10 लोग हवा के अपोजिट खड़े हो गए ताकि बॉनफायर पे हवा ना जाए। फिर एक बंदे ने अपनी जेब से कपूर निकाल के दिया। तुम यहाँ पे टीम एफर्ट देखो, इन सब में से 90% लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है, पर गोल एकदम कॉमन है, बॉनफायर। खैर फाइनली आग लगी, मतलब बॉनफायर वाली। सीक्वेंस है ये? ओए अमन फिर मत कहियो वीडियो नहीं डालते मैं तेरी। सजरा सवेरा मेरा तन बरसे, कजरा अंधेरा तेरी जान दीना, हुआ जो मेरे तन बरसे ओ मौला। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, वही था वही था वही था। मस्त एक दो घंटे हमने जैमिंग करी, बढ़िया फीलिंग थी यार, मजा आ गया। तो इसके साथ हम लोग लेते हैं विराम अपनी आज की कहानी पे। इस सीरीज का अगला एपिसोड इस डेट पे रिलीज होगा। वीडियो पे कोई फीडबैक हो तो प्लीज मुझे जरूर बताएं, और अब सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूंगा मैं, बहुत ढीठ हो गए हो तो। चलो बाय। Oh.